चलिए अगला सवाल पे तरफ पढ़ते हैं। संदीप कुमार मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप जी बताइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मेरे पास वेदांता के 130 शेयर है जिसका प्राइस है 270 रुपए 70 पैसे। ओके, तो सर इसको 3 से 6 महीने होल्ड करना चाहता हूँ अभी, तो इसमें सर क्या पोजीशन करनी, क्या और लेना है मुझे एवरेज करने के लिए, तो किस प्राइस पे लेना है? सरवन जी, वेदांता पे एक तो करंट प्राइस पे क्या स्ट्रेटजी है, क्या और बाई करना चाहिए? दूसरा, इनका प्राइस है 271 रुपये जी, और मेटल का एक डिफरेंट साइकिल इस समय हम लोग देख रहे हैं जी। तो सवाल ये कि क्या एवरेज करें या इसी प्राइस पे बने रहें और उछालों पे निकलें? देखिए नीरज जी, इनको शो रेगुलरली थोड़ा देखना चाहिए। वेदांता तो बहुत बार डिस्कस हुआ है बीच में और हमेशा यही मेंटेन किया है कि मेटल स्पेस में सबसे वीकेस्ट स्टॉक है। जब मेटल इंडेक्स हाई बना रहा था उस समय अपना 52 वीक लो तोड़ रहा था और थॉट यही दिया है 240 पे भी 245 पे भी कि भाई उछालों में एक बार निकले। रिस्क इसमें 200-210 तक का था, तो आई थिंक अभी भी वो रिस्क इंटैक्ट ही है कि 200-210 तक के लेवल्स ये स्टॉक छुएगा, ऐसा रिस्क अभी भी मेंटेन्ड है। तो अब इनकी ट्रेडिंग पोजीशन है, ये ट्रेडिंग पोजीशन के हिसाब से इन्होंने इसमें बहुत ज्यादा ड्रॉडाउन ले लिया है। आप अपनी ट्रेडिंग पोजीशन में 6-8% से ऊपर, ये बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, ट्रेडिंग पोजीशन पे भी 6-8% बहुत ज्यादा होता है, इससे ज्यादा भी आप क्या ड्रॉडाउन लेंगे? तो आपने बहुत ज्यादा ड्रॉडाउन ले लिया है मेरे हिसाब से, तो आपका मोटा मोटी ड्रॉडाउन ऑलमोस्ट 20% या उससे थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। तो ये तो आपने ट्रेड को ऑलरेडी लॉन्ग टर्म बना लिया है, तो अब मैं इनको क्या बोलूं? आई थिंक इनका ट्रेड ऑटोमेटिकली लॉन्ग टर्म बन गया है, इन स्तरों से तो मैं इनको बेचने तो नहीं बोल सकता, और एक 10-15-20 रुपए का रिस्क हो सकता है। तो आई थिंक ट्रेड में बने रहे, अब इतना पेन बेयर किया तो बने रहे और बीच बीच में इसमें राय लेते रहे जी। चरण सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं मानेसर से। चरण जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? नमस्कार नीरज सर जी। सर मेरे पास आदित्य बिरला फैशन और मनीषा लिमिटेड है। आदित्य बिरला एबी फैशन, क्या भाव मिलेगा अभी फैशन? 221 पे। 221 पर कब तक रुकने का मूड है इसमें? नहीं अभी चलेगा सर, देखो अभी तो आगे सीजन भी आना है इसका, अभी सर्दियों में यही इसका, मैं तो इस हिसाब से लिया है आगे। नहीं, कितने समय के लिए लिया आपने? साल भर तक सर। दोनों? जी सर। ओके सरवन जी, मानकसिया और एबी फैशन जी। देखिए मेरा थॉट यहाँ पे ये है एबी फैशन के लिए कि भाई देखिए अपने लॉन्ग टर्म दायरों से थोड़ा सा अटकता हुआ स्टॉक है और अगेन वीक स्टॉक है, मतलब बाउंस इसमें बिल्कुल नहीं आया है जब बाजार इतना चला है। तो आई थिंक मुझे तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म अभी बायस नेगेटिव अपने लॉन्गर टर्म एवरेजेस या अपने लॉन्गर टर्म सपोर्ट्स के नीचे है। जब तक मुझे नहीं लग, जब तक 240 को डिसाइसिवली क्लियर नहीं करेगा, आई थिंक मोटा मोटी यहाँ पे एक रेंज रहेगी 195 से लेके 230-235 तक की एक रेंज रहेगी। 240 क्रूशियल है फॉर अ ट्रेंड चेंज, तो ट्रेंड अभी इसका नीचे है, मीडियम लॉन्ग टर्म आप देखें सारे ट्रेंड्स इसके नीचे हैं दोनों, और 240 के ऊपर एक ट्रेंड चेंज यहाँ पे आएगा। तो मेरे हिसाब से अगर इस दायरे को ये झेल सकते हैं 195-230 तक, इसमें टाइम लगेगा, तो आई थिंक ट्रेंड में बने रहे। और जहां तक रही इनके दूसरे स्टॉक की बात, मैं उसका चार्ट पुल अप करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे लिए थोड़ा सा नया स्टॉक है ये, मैं चार्ट पुल अप उसका करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझे आई थिंक ये चार्ट नहीं मिल पा रहा है तो मुझे इसको पास करना पड़ेगा। ओके चलिए, इस पर चार्ट नहीं मिल रहा तो इसको छोड़ देते हैं। अगला सवाल लेते हैं राजेश मैथिल से, इंदौर मध्य प्रदेश हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश जी नमस्कार, सवाल पूछिए सर। नीरज जी नमस्कार जी। सर मेरे पास कोचिन शिपयार्ड है 250 शेयर और एट द रेट ऑफ 1075 और एक टीवीएस सप्लाई चैन है 300 शेयर एट द रेट ऑफ 254 रुपये, तो दोनों का शॉर्ट टर्म टारगेट मालूम करना पड़ेगा, क्या करना है इसमें? सर कोचिन का तो अभी पता चल जाता है, लेकिन टीवीएस में दिक्कत है सर, अभी तो लिस्ट हुआ है 15 दिन पहले, अब इसके चार्ट बनाएंगे तो अभी शॉर्ट टर्म कैसे पता चलेगा। कोचिन शिपयार्ड देखते हैं, 250 शेयर है 10.75 पे, अभी चल रहा है 9.75। सरवन जी नहीं देखिए, इन्होंने भी एक स्ट्रॉन्ग मिड टर्म एक स्विंग टॉप बाय किया है और इस मंथ का जो मंथली कैंडल फिलहाल जो बन रहा है ये कोई बहुत अच्छा एक कैंडल नहीं बन रहा है, अभी एक 4-5 दिन और ट्रेडिंग रह गई है, बट आई थिंक इसका एक कैंडल जो बन रहा है ये स्लाइटली बेरिश कनोटेशन अभी फिलहाल दे रहा है। बट अब मैं इनको यही बोलूंगा, अगर इनका ये ट्रेंड को लॉन्ग टर्म ही पकड़ के चलना पड़ेगा, क्योंकि वैसे तो काफी ड्रॉडाउन इसमें ऑलरेडी इनका हो गया है, तो आई थिंक इसको इनको टाइम देना पड़ेगा, अगर इसमें इनको थोड़ा सा कमाने का उम्मीद है और रिकवरी की उम्मीद है तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। मेरे हिसाब से अब जो मुझे इंपॉर्टेंट यहाँ पे लेवल्स दिख रहे हैं
जो पीछे इसका स्विंग टॉप का एक जो ब्रेकआउट हुआ था तकरीबन 900-920 के आसपास, आई थिंक उन एरियाज पे सपोर्ट है। तो आई थिंक जो भी सपोर्ट्स हैं वो 900-920 के आसपास हैं, और इस मंथली कैंडल के बाद मेरी इनको राय रहेगी कि फर्स्ट वीक में 1-2-3 तारीख को फोन कर ले, तो वहां पे जो रीडिंग्स वीकली मंथली जो रीडिंग्स बन जाएंगी और क्वार्टरली रीडिंग्स इस बार बन रही है, तो शायद इनको और इसमें थोड़ी क्लैरिटी मैं दे पाऊं। बट फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि यहाँ पे एक 900-920 तक का रिस्क बना हुआ है, 900-920 तक का रिस्क है इसमें। तो खैर ये अच्छा, ज्यादा एक एक क्वेश्चन आपसे लेना है सर, ये ब्लू स्टार आज फिर 5% ऊपर है, 935 हो गया है जी, क्या राय है इसमें? देखिए बहुत बढ़िया कंपनी है, बढ़िया स्टॉक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट थॉट यहाँ पे भी यही रहेगा क्योंकि न्यूज आ गई, बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज, एक वो कंसेप्ट आ गया, प्लस वैसे ही स्टॉक काफी बढ़िया चला हुआ है, 700 वाला ऑलरेडी 950 हो गया है, तो आई थिंक जिनके पास है वो बने रहे, नए रिस्क रिवॉर्ड तो यहाँ से नहीं उभर रहे हैं, बट जिनके पास है आई थिंक उनको बने रहना चाहिए, और मेरे हिसाब से आपका स्टॉप थोड़ा सा वाइड करके रखें, और आई थिंक तकरीबन 850 से 860 के एरियाज में कहीं इनको कहीं एक स्टॉप लॉस रखें ट्रेलिंग, और मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहे। ओके, तो इसमें ट्रेड में बने रही। सरवन जी शुक्रिया बहुत जुड़ने के लिए, और बहुत धन्यवाद दर्शकों की मदद करने के लिए। ब्रेक लेने यहाँ पे, इसके बाद देखिए आप खिलाड़ी नंबर वन, और इस बीच मार्केट में 40-40 पॉइंट की करीब गिरावट है निफ्टी में, और 136 तो वीकनेस तो है लेकिन थोड़ा सा एक रेंज बनाने की कोशिश कर रहा है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।